बहुत से लोग कहते हैं कि YouTube वीडियो बना के कुछ नहीं हो सकता है भाई, कि एक छोटे यूट्यूबर की सेकंड पेमेंट कितनी आती है। अगर आज की डेट में आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप अपने घर वालों के लिए भी बोझ हो। लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम ही है कहना, बट अगर आपको पैसे कमाना तो आप प्रूफ आपके सामने है, सेकंड यूट्यूब की पेमेंट मैंने उठा रखी है। तो फाइनली गाइज ये मेरे हाथ में YouTube की सेकंड पेमेंट जो कि मुझे फाइनली मिल चुकी है। और भाई मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कितना टाइम लग गया मुझे इस पेमेंट को रिसीव करने के लिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको ये तो जरूर पता होगा कि आज छोटे यूट्यूबर की फर्स्ट पेमेंट कितनी आती है, बट आपको ये नहीं पता होगा कि एक छोटे यूट्यूबर की सेकंड पेमेंट कितनी आती है जो कि मुझे अभी रिसीव हो चुकी है। फिलहाल आप पेमेंट देखो, पेमेंट काफ़ी हद तक ठीक ठाक पेमेंट आई है और ये मेरी YouTube की सेकंड पेमेंट है। तो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले चलते हैं अपने होम स्टूडियो के अंदर जहाँ मैं वीडियोज़ को शूट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीछे मेरे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। चलो फिर चलते हैं स्टूडियो के अंदर। तो हाँ जी दोस्तों, बात करें इस पेमेंट को रिवील करने से पहले कि मुझे इस पेमेंट को पाने में कितना ज्यादा टाइम लग गया। हालांकि ये अच्छी खासी पेमेंट है, तो इस पेमेंट को पाने में मुझे तकरीबन 3 महीने का वक्त लग गया। मेरी फर्स्ट पेमेंट जनवरी के महीने में आई थी और अब मेरी जो सेकंड पेमेंट अब आई है। बात करें इस पेमेंट की कितनी आई है, तो ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मुझे भाई सेकंड पेमेंट कितनी मिली है। और आई नो आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप इसीलिए रुके हुए कि भाई मेरी सेकंड पेमेंट कितनी आई है। लेकिन उससे पहले बात करूँ इस चैनल की, तो इस चैनल को मैंने 2021 के मई या जून के महीने में स्टार्ट किया था और आज है 2023 जो कि मई का महीना चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कितना टाइम हो गया इस चैनल पे काम करते हुए। बट आपको एक इसका एक ट्रूथ बता दूं कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं था तब मैंने इस यूट्यूब चैनल से तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए अर्न किए थे। और वो तरीका था एफिलिएट मार्केटिंग करके। मैंने एक प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाई, शॉर्ट वीडियो बनाई और उसका मैंने रिव्यू किया और उसको मेरे लिंक से कुछ लोगों ने परचेस किया जो कि मेरे को उसके पैसे मिल गए। बट बात करें ये जो पेमेंट है ये एडसेंस की पेमेंट है और मुझे रिसीव हुई है 3 महीने बाद। थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ी बट हाँ स्टिल मैं अपने काम को करता रहा। पेमेंट को रिवील करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी जो कि मेरी खुद स्टोरी है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर आप सुनना चाहोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल की अगर आप सबसे पहली वीडियो जाके देखोगे तो उसकी क्वालिटी और अभी की वीडियो क्वालिटी में आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। रीजन यही है गाइस, कुछ समय मेरे पास कोई भी साधन नहीं था वीडियोज बनाने के लिए, एक अच्छा कैमरा भी नहीं था, एक अच्छा पीसी नहीं था एडिट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि मेरे पास जगह नहीं था, और सबसे बड़ी बात कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। जब मैं वीडियोज को बनाता था भाई मेरे को बहुत सारे लोगों को ताने सुनने को मिलते थे। इस चैनल पे मैंने वीडियो 2021 से बनाना चालू किया, बट इससे पहले भी मैं वीडियोज बनाना सीखता था। मैं एक यूट्यूब चैनल रन करता था जो कि एक मिक्सिंग चैनल था, उसमें मैंने तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर मैंने बहुत मुश्किल से गेन किए और उसका वॉच टाइम मैंने बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने उस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजा तो यूट्यूब वाले ने रीयूज कंटेंट करके मोनेटाइजेशन कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत डीमोटिवेट फील हुआ और मैंने यूट्यूब पे काम करना छोड़ दिया। फिर दोबारा से मैंने टिकटॉक चालू हुआ था, लोग टिकटॉक की वीडियो बनाते थे, तो भाई मैं उस समय वीडियोज बनाना सीखता था, लाइक अपना फोन उठा के ब्लॉग कैसे करते हैं, कैमरा को फेस कैसे करते हैं, ये सब मैं सीखता था। और वही भाई मेरे लिए सबसे कठिन दौर था और वही दौर मेरे लिए सबसे अच्छा भी था। सबसे अच्छा दौर ये था कि उस समय जब लोग टिकटॉक वीडियो बनाते थे तो मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के बारे में सोचता था और मैं ये सोचता था कि मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनानी है। बट सबसे कठिन दौर ये था उस समय कि लोग टिकटॉक की वीडियो बनाते थे, हर जगह नाचना गाना चालू कर दिया, तो मेरे को भी लोग इसी नजरिए से देखते थे कि भाई तू टिकटॉक की वीडियो बनाता है और ये तू क्या ही कर रहा है यार, तू तो पढ़ने लिखने वाला लड़का है, ये तू कहाँ नाचने गाने के नजरिए में जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं बात मेरे घर वालों के जहन में भी गूंजती थी, तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते थे और मुझे बहुत ज्यादा ताने भी इस चीज से मिलते थे। बट स्टिल मुझे ये लगता था कि भाई मैं यूट्यूब पे एक ना एक दिन लाखों में नहीं बट हाँ कुछ हजारों में YouTube की पेमेंट में लूंगा और ये मैंने ठान रखी थी। तब मैंने 2021 में एक चैनल चालू किया जो कि है राहुल के ब्लॉग्स जो कि आप देख रहे हैं, और तब से मैंने काम करना इस पर चालू किया। फर्स्ट पेमेंट मेरी तकरीबन 8,500 रुपए के आसपास आई थी और सेकंड पेमेंट अभी जो आई है भाई दिल खुश हो गया सेकंड पेमेंट को देख के, और ये सभी आप लोगों का प्यार ही था। अगर आज की डेट में आप लोग एक YouTube चैनल रन करना चाहते हो तो भाई स्टार्ट कर दो। डजंट मैटर कि आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, डजंट मैटर कि आपके पास एक अच्छा माइक नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, लाइट नहीं है, पीसी नहीं है, भाई करने वाला सब कुछ कर देता। मैंने खुद एक मोबाइल से स्टार्ट किया था, कॉस्ट की बात करूं तो 3 से 4 हजार रुपए में सेकंड हैंड फोन लिया था और आज मेरे पे हर वो साधन जिससे कि मैं अच्छी वीडियोस बना सकता हूं, डिफरेंस आप देख ही सकते हो। तो छोटी सी स्टोरी थी, आई होप कि आपको इससे मोटिवेशन मिली होगी। और बात करें भाई ये पेमेंट की कि मुझे कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, तो YouTube के गाइडलाइंस के हिसाब से मैं इस पेमेंट को आपको रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये भी नहीं कि मैं आपको पेमेंट बताऊंगा नहीं। तो कुछ एक छोटा सा आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। मान लो मेरे पास 5 दोस्त है और एक दोस्त को मैंने 5,000 रुपये दे रखे हैं, तो 5 दोस्त का आप अंदाजा लगा लो कि उनसे मेरे कितने पैसे वापस लेने हैं। उतने ही पैसे मेरे YouTube की मेरी सेकंड पेमेंट आई है।
और हाँ आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि ये पेमेंट जो है बहुत मोटिवेट करती है। जब पैसा आता है ना लोगों के पास तो तब आपको समझ में आता है कि भाई आपने जो काम किया है, और ये मेरे लिए इतना बहुत था लोगों को प्रूफ करने के लिए। मेरी 2 सेकंड यूट्यूब की पेमेंट मेरे लिए बहुत थी, तो उन लोगों को प्रूफ करने के लिए जो लोग मुझे ये बोलते थे कि भाई यू वीडियोज बनाए कुछ नहीं हो सकता, और ये अर्निंग ऐसे ही जारी रहेगी अगर आप सभी लोगों का प्यार सपोर्ट इसी तरह से अगर बना रहा। आप लोग भी स्टार्ट करना चाहते हो तो यार स्टार्ट करो, मुझसे जो हेल्प होगी मैं आप लोगों की वो हेल्प करने को तैयार हूँ। अच्छा काम करोगे, अच्छा ब्लॉग बनाओगे, अच्छी वीडियोस क्रिएट करोगे तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों की कम्युनिटी को पोस्ट करूंगा, आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। कुछ नहीं तो 100-200 सब्सक्राइबर तो मेरे थ्रू आपको सब्सक्राइब करेंगे। तो यार देखो मेरा तो कुछ जर्नी ये था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है वीडियोस को मेकिंग करने के लिए, और आज भी हर दिन मेरे लिए एक नया दिन होता है, एक नया सुबह होती है कि भाई मेरे को आज क्या नया करना है, मेरे को आज वीडियोस में क्या नया ऐड करना है। अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो से आप बोर हो रहे हो, बट कोई बात नहीं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो वीडियो को प्लीज एक लाइक करके शेयर कर देना उस भाई तक जो कि भाई डीमोटिवेट होता है अपने चीजों को लेके, भाई मेरे पास एक अच्छा जरिया नहीं है वीडियोस बनाने का।